नीतीश कुमार ने साफ किया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर तनिक भी लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के आला अफसरों को निर्देश दिया गया है कि जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम बढ़े उनकी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों ही एक अन्य मार्ग में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। सीएम ने कहा कि हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखें, कानून का सख्ती से पालन हो और अपराधियों में कानून का डर हो, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पर्व त्योहारों के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उन क्षेत्रों को चिन्हित करें, वहां वैसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी पहले ही गिरफ्तारी करें ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, स्पीडी ट्रायल में तेजी लाए। समीक्षा के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि अभियोजन और अनुसंधान के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। थाने के पुलिस वाहन के लिए पुलिस बल से स्थायी ड्राइवर की व्यवस्था रखें। पुलिस व्यवस्था में संवेदनशीलता और गोपनीयता आवश्यक है। सभी थानों में स्टेशन डायरी अपडेट रखा जाए। प्रत्येक थाने में स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऐसा सिस्टम बनाएं कि थाने के अकाउंट में हमेशा राशि उपलब्ध रहे। इसके अलावा थाने में महिला शौचालय और स्नान घर की समुचित व्यवस्था फरवरी तक सुनिश्चित करें।